बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना संदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। वीडियो के टाइटल से आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और इसमें इस वीडियो में हम दो डिस्कस करेंगे, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड एनर्जी फ्रॉम वेव्स। तो बच्चों, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इनको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बेटे जो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, गैस को हम यूज कर रहे हैं, कोयला को हम यूज कर रहे हैं। ये डियर स्टूडेंट्स वो सोर्सेज हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। आप खुद सोचें कि पेट्रोल जो है या जो तेल जो है या गैस, ये जमीन से निकलती है। अगर ये सोर्सेज खत्म हो जाएं, तो फिर हम एनर्जी के क्राइसिस या एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे या एनर्जी कैसे हासिल करेंगे अपनी डेली रोजमर्रा की जरूरियात के लिए। तो डेफिनेटली ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनके अलावा हमें फिर उन सोर्सेज की तरफ आना पड़ेगा, उन तरीकों की तरफ आना पड़ेगा जिनसे हम खातर खा एनर्जी हासिल नहीं कर रहे लेकिन हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब देखें जरा, हमारे पास सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो सूरज है, सन। अब देखें, हमारे अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कितनी को गाड़ियां हैं जो सूरज की रोशनी से चल रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, बल्कि पाकिस्तान में तो है ही नहीं। तो इसके अलावा आप मजीद अगर देखें, बायोमास से हम कितनी को एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वेव से कितनी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या टाइड से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे सोर्सेज वो जो रवायती नहीं है, जो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम उनकी तरफ आएंगे तो हमारे एनर्जी के बहुत सारे क्राइसिस जो है वो हल हो जाएंगे। तो आइए जरा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी सोर्सेज विच आर नॉट कॉमनली यूज आर नाउन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मतलब ये वो है जो हम कॉमनली यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर इनको यूज करेंगे और हम इनकी तरफ बढ़ेंगे। अभी अगर हम रीसेंट सूरत हाल देखें तो सोलर पैनल्स का दौर दौरा है डिफरेंट कंट्रीज में, और स्पेशली पाकिस्तान में भी अब सोलर पैनल पे इंहसार किया जा रहा है। कम्युनिटी जो है वो इस तरफ आ रही है, मतलब रवायती जो अपने मसाइल हैं, अपने रवायती जो एनर्जी उनसे हट के कोशिश कर रहे हैं। अब देखें जरा, सबसे पहला जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है नॉन कन्वेंशनल, वो है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स बेटे, ये करने से पहले दो चीजें, दो वर्ड्स पे जरा गौर कीजिए। एक होता है टर्बाइन और एक होता है जनरेटर। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। टर्बाइन में बेटे ना, एक आपके पास जो है फैन सा होता है, पंखा होता है जी लगा हुआ, जैसे आपकी जो घर में टर्बाइन पानी वाली होती है, पीछे एक पंखा लगा होता है। अब क्या किया जाता है, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस पंखे को चलाने के लिए। ये पंखा हम एनर्जी प्रोवाइड करें, हाथ से कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो ये फैन जो है, ये जो पंखा है, ये घूमेगा। तो आप टर्बाइन का यही काम है कि आप कोई सोर्स ऑफ एनर्जी या कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी हाथ की फॉर्म में हो, स्टीम की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो, तो ये जो है ये घूमेगी। जब ये घूमेगी तो डेफिनेटली ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कोई मैकेनिकल एनर्जी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती। अब वो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं किसको? जनरेटर को। जनरेटर का क्या काम होता है जी? ये मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है जी। ये दो चीजें आपके पास है, टर्बाइन आपके पास एनर्जी बना के देगी आपको मैकेनिकल या कोई भी एनर्जी की फॉर्म, इलेक्ट्रिक उसमें कह लें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो आगे जनरेटर को प्रोवाइड करेंगे। तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये दो चीजें हम यूज करेंगे। अब एनर्जी फ्रॉम टाइड्स कैसे जनरेट होती है डियर स्टूडेंट? टाइड की वजह से जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, सूरज या चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल है काज वेरी हाई टाइड्स। वो वाटर के अंदर आप सपोज करें ये आपकी जो है वो अर्थ है।
अब इस अर्थ के अराउंड ये स्टूडेंट्स वाटर मौजूद है, ये अंदर अर्थ कर लें और बाहर जो ब्लू है ये वाटर कह लें। अब जो ये मून है, ये मून ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये वाटर को क्या करेगा, वाटर की सरफेस को ऊपर की तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से। अब ये वाटर की सरफेस है, यहाँ पे ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है, ये हाई टाइड आप कह सकते हैं। तो अब ये टाइड इसमें जनरेट होगी, अब वाटर हाई टाइड पे आया, अब इस वाटर को डेफिनेटली ये हाइट पे आया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, इस एनर्जी को डियर स्टूडेंट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, अब अगर यहाँ पे डेफिनेटली सन है वो दूर है, तो अगर सन और मून एक ही तरफ होंगे तो फिर और ज्यादा जो है ये ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होगा और ज्यादा जो है वो हाई टाइड जनरेट होगी, प्रोड्यूस हाई टाइड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर। और ये तकरीबन दिन में, ये एमसीक्यू के लिए बात याद रख लें, ट्वाइस ए डे रफली जो है ये ट्वाइस ए डे जो है ना ये काम होता है हाई टाइड का। अब क्या होगा, वाटर एट हाई टाइड ट्रैप्ड इनटू ए बेसिन, जो डैम होते हैं डैम में हम ये वाटर स्टोर कर लेते हैं और फिर उस वाटर को हम क्या करते हैं कंट्रोल्ड वे में हम सप्लाई करते हैं, किस काम के लिए, टू रन ए टर्बाइन। जब टर्बाइन रन करेगी तो डेफिनेटली कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी फिर हम प्रोवाइड करते हैं किसको, जनरेटर को, और जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब आपने लिखना क्या है, वाटर एट हाई टाइड ट्रैप्ड इन टू ए बेसिन बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, डैम इज फिल्ड एट हाई टाइड, देन वाटर रिलीज इन कंट्रोल्ड वे टू रन ए टर्बाइन। अब टर्बाइन क्या करती है, अभी अभी हमने बात की, टर्बाइन डियर स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगी कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगी, चला के आपको देगी जनरेटर, जनरेटर चलाएगी और जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, जी इलेक्ट्रिसिटी। जी बच्चों, ये इस तरीके से आपके पास जो है आप टाइड से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है, दूसरा जो एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो है एनर्जी फ्रॉम वेव, हम उसको करते हैं। जो है बच्चों, आप जानते हैं कि टाइडल मोशन तो है, टाइड्स तो समंदर में जो है वो जनरेट हो रही है, अब विंड भी चल रही होती है, तो ये टाइडल मोशन और जो ब्लोइंग विंड होती है ना, ये मिलके क्या बना देती है, वेव्स, वाटर वेव्स। अब वाटर वेव्स को हम यूज कर सकते हैं किस काम के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके ऊपर काम किया था आपके एक अंकल थे, एक प्रोफेसर साल्टर ने, इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसका नाम है साल्टर डक। अब ये साल्टर डक का आइडिया उन्होंने डक से लिया था कि वो जो वेव्स वाटर के अंदर जनरेट हो रही होती हैं उनके ऊपर डक बैठी होती तो वो भी ऊपर नीचे हो रही होती है और एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। अगर वो डक मूव कर सकती है तो इसका मतलब है कि हम जो है वो एनर्जी कुछ है तो डक की मोशन हो रही है, तो हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी और पर्पज के लिए। तो उसने साल्टर डक को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके दो हिस्से हैं, डक फ्लोट एंड बैलेंस फ्लोट। इनकी रेलेटिव मोशन से डियर स्टूडेंट जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट करके फिर हम उसको जनरेटर, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था टर्बाइन चलती है और वो जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेटर चलाने की, और जनरेटर से क्या आप जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यही बात लिखी है, रेलेटिव मोशन इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक बात रह गई थी एनर्जी फ्रॉम टाइड से, कि जब वाटर में टाइड जनरेट हो रही है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन की वजह से, तो क्या जमीन के ऊपर भी कोई टाइड जनरेट होगी या जमीन की सरफेस पे भी कोई फर्क पड़ेगा? तो ये ना आपकी बुक के साइड टेबल पे साइड में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है एमसीक्यू में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो अर्थ है उसकी सरफेस में भी सेम टाइड जनरेट होगी, लेकिन चूंकि वाटर जो है वो फ्लोइंग है वो ऊपर नीचे इजीली हो सकता है इसलिए उसका हमें ज्यादा फील होता है, अर्थ का फील नहीं होता, क्योंकि 25 से 30 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ में भी टाइड जनरेट होती हैं। तो ये आपने पॉइंट एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ये दो बेटे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी कह लें या सोलर सेल्स का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।